नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जॉइंट पेन एक ऐसी समस्या हो गई है जिसे आजकल हर जनरेशन अफेक्टेड होने लग गई है। पहले ये ओल्ड एज में देखने को मिलता था, लेकिन आजकल ये यंग एज में भी बहुत ज़्यादा कॉमन दिखने लग गया है। आज हम बात करेंगे कि जॉइंट्स पेन क्यों होता है, इनके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, और एक मेरा बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी होम्योपैथिक का, जो मैं अपने क्लिनिक पर यूज़ करती हूँ, और ये मेरे जॉइंट पेन के हर कैटेगरी के पेशेंट्स पर बहुत अच्छा काम करता है। चाहे आप वो आरए पेशेंट हो, चाहे आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हो, आप गाउट पेशेंट हो, आप नॉर्मल आर्थराइटिस या मसल पेन या माइल्ड वीकनेस ऑफ जॉइंट्स से सफरर हो, इन सब पे ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा काम करता है। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हम जॉइंट्स पेन कहते किसको हैं। जॉइंट्स पेन एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा डिस्कम्फर्ट जहां हमारी जो दो जॉइंट्स, जो दो बोन होती हैं, जहां जाके मिलती हैं, उस पर्टिकुलर जॉइंट पे हमें अगर डिस्कम्फर्ट है तो हम उसे जॉइंट पेन बोलते हैं। अब वो किसी भी कारणवश हो सकता है, हो सकता है आपके जो वो जॉइंट्स हैं उनमें कोई दिक्कत हो, उनके बीच में जो फ्लूइड है, जो कार्टिलेज है उनमें कोई दिक्कत हो, साथ में जो मसल्स हैं उनमें दिक्कत हो, या फिर ऐसी कोई आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपने की हो, कोई हैवी वेट उठाया हो, या आपको चोट लग गई हो, इंजरी हुई हो, ब्रूस कंडीशन हुई हो, उस कंडीशन में भी आपको जॉइंट्स में पेन हो सकता है। अदरवाइज जो अंडरलाइन डिजीज़ अगर उसके पीछे की मैं बात करूँ, तो कुछ मेन जो डिजीज़ हैं जिसे हम आर्थराइटिस बोलते हैं, आर्थराइटिस मल्टीपल तरह के हो सकते हैं। आर्थराइटिस का मतलब होता है व्हेन आर जॉइंट्स हैविंग द इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन की आपके अंदर हड्डियों में रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है, डिस्कम्फर्ट है, तो हम उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस एक जनरल टर्म है जिसमें हम सब एडिंग्स रखते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट या जिसे गठिया बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सारी कंडीशंस को हम, या ऑस्टियोमायलाइटिस, इन सारी कंडीशंस से हमें जॉइंट्स में डिस्कम्फर्ट होता है। तो हर किसी पेशेंट का अपना इंडिविजुअल कॉज होता है कि इस वजह से उसके जॉइंट्स में प्रॉब्लम है। अब पेन आपको जो होता है वो इन जनरल आपको देखने को मिल सकता है कि आपको चलने में, मूवमेंट करने में पेन हो रहा है, स्टिफनेस के साथ पेन हो रहा है, एक पोकी सेंसेशन, अगर आप गठिया पेशेंट हैं तो एक पोकीनेस के साथ आपको चुभन वाला दर्द महसूस हो सकता है, ज़्यादा चलने से आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं, क्योंकि आपकी दोनों जो हड्डियां हैं उसके बीच का फ्लूइड कम हो रहा है, कार्टिलेज कम हो रहा है, अंदर की जो बोन्स की डेंसिटी है वो कमज़ोर हो रही, इन पेशेंट्स में चलने में ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। गाउट पेशेंट में मोस्टली क्या होता है, जो उनका फर्स्ट स्टेप होता है वो ज़्यादा पेनफुल होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में ऐसा होता है कि आपकी जो बोन्स हैं उनमें डिफॉर्मिटी के साथ साथ एबनॉर्मेलिटी होने लग जाती है, उनमें जो आपकी जो बोन की स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, आपको अपने जो उनके एनाटॉमिकल कंडीशन है उनमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कारण से आपको जॉइंट्स में पेन हो सकता है। साथ में अगर आपको किसी वजह से इंजरी हुई है, चोट लगी है, मसल्स में आपको कोई टेयरिंग हुई है, तो उसके वजह से भी आपके जॉइंट्स और आसपास के एरियाज में पेन देखने को मिल सकता है। अब मैं बात करती हूँ एक बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन की, मैं होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो मैं अपने मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में यूज़ करती हूँ, वो आपके हर कैटेगरी ऑफ अर्थराइटिस पेशेंट पे काम करता है, क्योंकि इसमें यूरिक को भी कम करने की मेडिसिन है, इसके अंदर जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने की भी मेडिसिन है, जो रूमेटिक पेशेंट्स हैं उनमें जो कंडीशन आ रही है उनमें भी ये हेल्पफुल रहती है, साथ में अगर आपको मसल्स में भी पेन है वो उस पर भी काम करता है। तो ये एक ओवरऑल मैंने कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करा है ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस इन नेक्स्ट कि जो पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा सिम्टम्स मिलते हैं उनके बेसिस पे, और ये हर तरह के अर्थराइटिस पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें आपको करना क्या है, आपको सिर्फ चार मदर टिंचर्स लेके आने हैं, सील पैक लेके आए। सबसे पहली है रस्ट्रॉक्स मदर टिंचर, आप जानते हैं रस्ट्रॉक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर जॉइंट्स पेन, या इन्फ्लेमेशन के केस में भी, चोट के केस में भी, मसल्स के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर आपको लाना है, ये अर्टिका यूरेंस दोस्तों हमारे गठिया की बीमारी पे भी बहुत अच्छे काम करती है, जिसमें गाउट में यूरिक एसिड बढ़ता है, वो स्टेंजेंसी को भी कम करती है, जॉइंट्स के इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को भी कम करने में हेल्प करती है, मूवमेंट्री एक्टिविटीज को अच्छा करती है। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों ग्वाइकम मदर टिंचर, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो रूमेटिक केसेस में, जो रूमेटिज्म वाला केस है, चाहे वो रूमेटिक आर्थराइटिस का केस हो या कोई भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस हो, उस पर भी ये बहुत अच्छी काम करती है, आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, पेन, इन डिस्कम्फर्ट को कम करने में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। फोर्थ मेडिसिन है एक्टिया स्पाइकेटा, ये हमारे बिग जॉइंट्स और स्मॉल जॉइंट्स दोनों पे अच्छी काम करती है, अगर आपके सिर्फ घुटनों में ही नहीं, आपके रिस्ट में भी दर्द है, आपको उंगलियों में भी दर्द लगता है, आपको
उंगलियों में भी अकड़न वाला दर्द महसूस होता है, एक्टिका स्पाइकेटा इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर दिस पर्टिकुलर इशू, इन पे भी इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है। तो इन चारों ही मदर टिंचर्स को आप सील पैक्ड खरीद के लाएँ और 30 ml की बॉटल्स खरीद के ला सकते हैं, साथ में 100 ml की बॉटल खाली लेके आएँ, उस पर ड्रॉपर लगवा के ज़रूर लेके आएँ। आप इनकी 20 ml को एक बड़ी बॉटल जो आपने लाई है उसमें भर दीजिए, तो टोटल 80 ml आपने फिल कर दिया, बाकी का 20 ml आप एम्प्टी छोड़ दीजिए इनको, ताकि आप अच्छे से शेक करके मिक्स कर सकें। और इसकी आप 20 बूंद एक चौथाई कप गुनगुने पानी में, अगर प्रेफरेबली गुनगुना मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे ही पानी मिल पा रहा है इट्स फाइन, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, उसको डाल के आप दिन में 3 बार लेना शुरू करें। इसके साथ साथ आप एक बाय कॉम्बिनेशन नंबर 19 आती है जॉइंट्स पेन की, उसको ऐड करें, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑल टाइप ऑफ अर्थराइटिस, ये बहुत अच्छा काम करती है। इन दोनों ही मेडिसिन का एक जो कॉम्बिनेशन है और ये BC19 जो है, इसको आप कम से कम 2-3 महीने प्रयोग करें, ये आपके जॉइंट्स पेन की हर परेशानी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस पे अच्छा काम करेगी और दूसरे ही कैटेगरी में ये बहुत अच्छी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इसके साथ साथ अब अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी अच्छा रखें, अपने विटामिन डी, अपने कैल्शियम को अपने शरीर में अच्छा बना के रखें, विटामिन B12 को अच्छा बना के रखें, ये आपके जॉइंट्स पेन की जो इंटेंसिटी है उसको न्यूट्रिशनल साइड से भी कवर करेगी, तो आप और जल्दी रिकवर करेंगे। इन सारे चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं विद इन अ फ्यू वीक्स टू मंथ्स आपको बहुत अच्छा डिफरेंस अपने बॉडी में दिखेगा, आपके जो पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता था उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स के साथ, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।